जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा। अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ।
येयु को जान्य रूप परिणमित होने के काल में भी जो ज्ञान की अवस्था अपने स्वचतुष्टय को छोड़कर ज्ञेयों के चतुष्टय में जाती नहीं, अपने में रहकर अपने में ही परिणमित होती है। ज्ञान की इस अवस्था में मात्र ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। नया कार्य कुछ भी नहीं करना है। इस प्रयोग से मात्र स्वीकार करना है। आप ज्ञान दीपकों से जो कहता हूं जस्ट फील इट, उसमें कर्तृत्व का भाव नहीं है। सहज अनुभव है। जैसे ये सांसें चलती है, मैं सांसें ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ऐसा भाव नहीं आता। सांसें चल रही है और वह अनुभव में आती है। हवा भीतर गई, बाहर आई, ये हवा को मैं भीतर ले गया और बाहर लाया, ऐसा भाव नहीं आता। ऐसे ही यह अनुभव हो रहा है। अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये कर्ता और कर्म, ये भाव से मुक्त मात्र अनुभव हो रहा है।
इस अनुभव में मात्र स्वभाव को ग्रहण करो। तत्व चिंतन रूप विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे ही यह एहसास हो, उन विकल्पों को भी ज्ञेय की श्रेणी में जानकर फिर ज्ञान पर आओ कि वहां पर भी विकल्प है। मैं चैतन्य हूं, यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ये जो नया 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 ऐसा जो विचार चलता है, उन विचारों के प्रति भी अत्यंत उदासीनता और मात्र ज्ञान की अनुभूति। यह जो अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान ही है। वह ज्ञान ही निर्णय करता है। यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, यह निर्णय भी ज्ञान ही करता है। अनुभव 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 इस प्रकार से अनुभव अनुभव अपने ही अंतर में जब ये विचार चले, तब वहां स्वभाव के अतिरिक्त और कोई भाव ही नहीं रहता और परमाणु को लेकर के यह अनुभव का अस्तित्व नहीं है। ऐसा ही एक ज्ञान अनुभव मात्र है। जहां अटकना होता है, वो मूल में ही भूल ये हो जाती है।
जिस पर अत्यंत सूक्ष्मता से भेद ज्ञान करना है। कि अनुभूति परमाणुओं के साथ रह करके अनुभव 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 रूप परिणमित नहीं होती। दूर से देखे तो यह भ्रम होता है कि ये देह के अनंत परमाणु उन परमाणुओं से अनुभूति के स्वभाव को लक्षण से अलग पहचान करके मात्र स्वभाव स्वभाव और ये स्वभाव ही अनुभव में आया। अनुभव बैठता नहीं है, अनुभव उठता नहीं है, तो प्रयोग इसी प्रकार का करें। मैं अनुभव मात्र हूं, तो देह बैठा, तात्कालिक ये भेद ज्ञान होगा कि परमाणुओं के साथ में यह परमात्मा, यह अनुभव परमात्मा सुनते ही वह भाव हो, अनुभव कोई व्यक्ति नहीं, नीच परमात्मा। फिर वहां दूसरा यह भी विकल्प नहीं कि परमात्मा अनंत होते हैं, कोई विकल्प नहीं है कि आदिनाथ, महावीर या शरीर या समोसरण सब एक श्रेणी में। जो अनुभव है इस अनुभव में मात्र अनुभूति है। तो ये अंतर का जो अनुभव है उसमें फिर परमाणु ही जब नहीं है, तब जो श्रद्धा जो अंदर में गाढ़ होकर पड़ी थी कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये अनुभव का स्वीकार होते ही देह की जो कल्पना थी वह रहते ही नहीं, छूटती है एक समय में। मगर अनुभव 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 में निरंतरता ऐसी तो देह लेकर के ध्यान के प्रयोग में साधक बैठता ही नहीं। मात्र ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, साधन से साधना होती है। और इंद्रिय के परमाणु साधन नहीं। जो यहां है ही नहीं वो साधन कैसा बनेगा?
साधन बनेगा ही नहीं। जिसके पास पैर नहीं है वो पैर को साधन कैसे बनाएगा? मगर लाठी के सहारे चलना है, मगर लाठी ही नहीं है तो साधन कैसे बनाएगा? उसके पास तो होना चाहिए। तो मात्र ज्ञान को ही नजर में लो, ज्ञान के नजरिए से देखो कि जो जानना हो रहा है, जिसके पास ही परमाणु नहीं है, आंख कान ये 5 इंद्रिय है, ये ज्ञान के पास नहीं है। ये सुनते ही ज्ञान 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 अनुभव, जिसके पास परमाणु नहीं है। और जिस ज्ञान के पास परमाणु नहीं है, वह ज्ञान परमाणु को साधन बना करके साधना कैसे करेगा? उसके पास में परमाणु ही नहीं। ज्ञान अनुभव जिसके पास परमाणु ही नहीं, और परमाणु नहीं है तो परमाणु को साधन बनाऊं कैसे जो है ही नहीं? और परमाणु साधन नहीं बनते तो फिर परमाणु से साधना भी नहीं होती, क्योंकि नियम यह है कि साधन होगा तो साधना होगी। परमाणु साधन नहीं है क्योंकि परमाणु ज्ञान में नहीं है, इसलिए परमाणु से साधना नहीं। इसलिए स्त्री का पुरुष का ये साधना क्रम होता ही नहीं है। ये महाभ्रम है कि स्त्री साधना करती है पुरुष साधना करता है, क्योंकि ज्ञान जो साधन है उसी से ही तो साधना होती है, और ज्ञान में परमाणु नहीं है। और स्त्री पुरुष तो परमाणु की रचना है, परमाणुओं के मिश्रण से बना हुआ तरह तरह का रूप रंग वाला आकार का ये देह। तो ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान साधन, वह ज्ञानमय ही अनुभवमय ही जीवन है। ज्ञेय होने पर भी, इंद्रिया होने पर भी, अनुभूति में ज्ञान ही आ रहा है, और यही जोर ज्ञान का है। ऐसा लगेगा कि इतना इतना इंद्रियों का, देह के परमाणुओं का निकटवर्ती संबंध तो लगता है। ऐसा ही लगता है कि ये हाथ वाला, पैर वाला, ये मैं, ये जो एकत्व वाली जो मान्यता की जो लगातार चलती हुई वह कर्मधारा जो यह देह में सोचे बिना, यही अंतर में जो मान्यता रूप पड़ा है, भाव मिथ्यात्व भाव, और ये कैसे स्वीकार करूं उस स्थिति में कि ये ज्ञान ही है और परमाणु नहीं। सम्यक दर्शन का पहला चरण यहां, हाथ है ना, मगर इतना गौण हो जाता है, उसी का नाम है दृष्टि से चला जाता है। लकड़ी जैसे जलती होगी, सिर्फ अनुमान करो
लकड़ी जल रही है और जैसे ही छुआ तो विकल्प ही नहीं आया। कितनी मोटी, कितनी पतली, नीम की, बबूल की, चंदन की, या फिर सुबह, दोपहर, शाम, या फिर मैं स्त्री, मैं पुरुष, जिसकी चमड़ी से ये अनुभव हुआ। एक क्षण का जो अनुभव है, गरम ऐसा जो छूते ही जो अनुभव है, उस अनुभव में गरम ऐसा जो अनुभव, उस अनुभव में वहां वो बबूल की लकड़ी है या नहीं, होने पर भी स्वभाव की महिमा इतनी हो, वह स्पर्शना इतनी असरकारक हो, तो लकड़ी का विकल्प नहीं आता। वह अग्नि का जोर इतना है, अनुभव हुआ गरम। और जो श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो जाता है, ये स्वभाव का अनुभव है। जीवन भर याद रहे तो ये नहीं रहे कि बबूल की लकड़ी नहीं, मुझे हाथ जल गया, ये जीवन भर की निशानी रह गई। जले की निशानी है, बबूल की निशानी नहीं। जले की निशानी, चमड़ी जल गई अग्नि में, तो ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, परमाणु का विरोध ही मैं नहीं करता। जो मेरे पास नहीं है उसका विरोध करना भी व्यर्थ है। ज्ञान ही है और परमाणु है ही नहीं, तो विरोध करना ये व्यर्थ। इसलिए शरीर को छोड़ देना, विषपान कर लेना, पहाड़ से गिर जाना, शस्त्र से देह का घात करना, जब ये देह मैं नहीं हूं, तो मुनि ज्ञानी ऐसा कृत्य तो नहीं करते, क्योंकि जो मेरे पास में ही नहीं है उसके प्रति जो साधन ही नहीं बनता। तब एक पेन से लिखना चाहा तो पेन को संभाल संभाल करके रखा कि ये पेन बहुत काम की पेन है, बहुत अच्छे अक्षर से लिख सकता हूं। उस पेन को बॉक्स के अंदर फिर रख दिया, पूरी तरह से उस पर धूल ना आए, उस पर दाग ना आए, वह घिस ना जाए। उस पेन का पॉइंट है, वो थोड़ा भी घिस गया तो लिखा नहीं जाएगा। जैसे ही लिख लिया कि ढक्कन से बंद कर दिया, पूरी तरह से। मगर एक बार वो पेन चली नहीं, दूसरी बार चली नहीं, तब जोर से पटक दिया जमीन पर। ये दो कार्य हुए, एक तो पेन को संभाल करके और दूसरा पेन को नष्ट करके। दोनों स्थिति में पेन में रस ले लिया।
जब ज्ञान अनुभव में आता है तब इंद्रियों के प्रति इतनी अलिप्तता होती है कि ये इंद्रियों को साधन ही नहीं बनाना। जब मुझे पेन से लिखना नहीं है तब पेन को साफ करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए या फिर तोड़ने के लिए भी नहीं जाता। दुकान में कितनी पेन है, सभी दुकानों में मैं साफ सफाई करने थोड़ी जाता हूं। उन दुकानों में बहुत सी पेन सूख गई हो, इंक सूख गई हो, चलती नहीं हो, उसे तोड़ने भी नहीं जाता, क्योंकि वह मेरे अनुभव में नहीं आ रही है, मेरा साधन नहीं बनती है। जो साधन बन जाता है तब फिर उसकी सुरक्षा करने का भाव आता है। तो ये देश साधन नहीं है, आज तक ये सुना था साधन, मगर वह साधन है, वह तब तक है जब तक यहां तक पहुंचना था। आंगन तक पहुंचने के लिए अब सम्राट के पास जाना तो कार साधन है, मगर महल के द्वार पर खड़े रह गए और सम्राट के पास सिंहासन तक पहुंचने से पहले वह कार साधन नहीं रही। अब दोनों पैर से चलना है, कार बाहर पड़ी रहेगी। तो अंतर की, जो अंतर की भेद ज्ञान की धारा में ज्ञान साधन है, देह वहां साधन भी नहीं। सुनने का साधन देह है, शास्त्र पढ़ने का साधन देह है, मगर जो जानन 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 रूप ये अनुभव जो निरंतर हो रहा है, वो कोई परमाणु से मांग करके नहीं हो रहा है। ज्ञान की अनुभूति यदि ये इंद्रिय के परमाणु साधन नहीं है, कोयला जल रहा है तो कोयले को छूते ही, कोयले को छुए बिना गर्म का अनुभव होगा कैसे? कोयले की जरूरत तो पड़ेगी ना अग्नि के अनुभव के लिए। कोयले का अनुभव नहीं होता, मगर अकेली अग्नि कहां से लाए? वो कोयला जो जल रहा है उससे, कोयला जो जल रहा है उसमें से ही तो अग्नि आ रही है। देह है ये तो सत्य है, ये कोयला है ये सत्य है, मगर जब कोयले को वहां पर स्पर्शना के काल में विकल्प जो नहीं आया और उस कोयले
अनुभव? जोर वहां नहीं है, यदि ठंडा कोयला होता तो वह भाव नहीं आता। वहां कुछ ऐसा है जो अनुभव में आया है, जो कोयला नहीं है, जो कोयले से अलग ऐसी जो अग्नि है। जोर उसी पर है, तो इंद्रिय के होने से यह जो ज्ञान अनुभव में आया है, यह भ्रम तब तक होता है जब तक इंद्रिय के परमाणु की मुख्यता छुए तो ये विकल्प छूट जाता। दूर से देखे तो कोयला ही दिखेगा। तो ज्ञान की ऐसी अभेद अनुभूति कि यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, और उससे फिर अलग 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 अवस्था में भेद ज्ञान हो। अब कोयला टूट जाए गिर करके, और उस समय जो छुआ उसका प्रयोग करने पर पता चलेगा कि अब क्या अनुभव में आया। वो अनुभव में तब क्या आया, तब ये अनुभव में आया कि उष्णता, अग्नि की उष्णता, 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 चमड़ी से तो उष्णता अनुभव में आई। अग्नि का जो स्वभाव है वह अनुभव में आया। इसमें बहुत सी बातें हैं जो प्रयोग करते समय आपको ये ध्यान में लेनी है। जो मूल बात प्रयोग की है, जब यह आप प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करते समय इंद्रियों के परमाणु और ज्ञान, इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। कोयला है, ज्ञान और अग्नि है। मात्र स्वभाव, स्वभाव और स्वभाव, उसमें स्वभाव का भाव ऐसा है कि
देह के परमाणु का और ज्ञान का, जैसे मैं आपको ये कहूं ये उंगली है, इतना पार्ट जो इतना भाग है ये कोयले का भाग है। तो जैसे ही वहां से ऐसे उंगली से ऐसे छुआ, यहाँ कोयला जल रहा है, तो छूते समय पूरे कोयले को छूने के लिए उंगली नहीं गई है, पूरे भाग को नहीं छुआ, ऊपर के भाग को छुआ है, कोयले के ऊपर के भाग को। अंदर भी तो अग्नि है, मगर ऊपर का जो लेयर है, ऊपर ऊपर का, उसको ही छुआ है। उंगली कोई अंदर तो नहीं चली गई, तो ऊपर के भाग को छुआ, और ऊपर का भाग भी कोयला तो बहुत फैला हुआ है, उसमें कुछ अंश को ही छुआ। मगर जब ये उंगली वो कुछ अंश को छूती है, उस समय अग्नि की अनुभूति का जोर इतना होता है कि ये विकल्प नहीं आता कि कितने भाग को छुआ, ऊपर अंदर सभी अंशों में, सभी अंगों में, सभी प्रदेशों में। छूते ही जैसे वो भाव आता है गरम, बस ऐसा छूते ही जो भाव आता है गरम, ऐसे ही यहां पर देह के परमाणुओं का विकल्प ही नहीं आएगा। ये परमाणु का विकल्प नहीं आएगा, बबूल की लकड़ी का विकल्प नहीं आएगा, नीम की लकड़ी का विकल्प नहीं आएगा। फिर राइट साइड में कोयला पड़ा है, तो दाई और बाई और ऐसा भाव ही नहीं आएगा। छुआ क्या हुआ, गर्म। तो इंद्रियों के परमाणु का वहां इस प्रकार से गौण हो जाना होता, मात्र ज्ञान और ये परमाणु है और नहीं है, ये भी लिखने में नहीं आएगा। कोई कहे कि मुझे कोयले का अनुभव ही नहीं हुआ, कोई रस ले लिया उसको अभी अग्नि का अनुभव नहीं हुआ। अग्नि का अनुभव होता तो ये बोलता भी नहीं कि ये कोयला नहीं है। स्वभाव का, अनुभव का इतना गहरा भाव है, इसलिए तो, नहीं तो आप परमात्मा विचार करो कि यदि वो मुनिराज के शरीर के ऊपर अग्नि जलती हो और उनको पता न चले कि क्या हो रहा है शरीर के साथ, या फिर पत्थर की बरसात होती हो, या बाहर में कोई उपसर्ग होता हो, तो पता न चले, ऐसा कहां चले गए वे। वो स्वभाव की अनुभूति की गहराई इतनी है, वो अग्नि को खाली छुआ की इतनी गहराई है कि पता ही नहीं चला। अनुभव, और दो बात है, कैसा पता नहीं चला, एक तो ये, दो बात है। एक बात ये देखो, ये जो कोयला है, अब यहां पर कोयला है, और ये कोयला ऐसा समझो 1 इंच का है, अंदर भरा हुआ सॉलिड है, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से, और पूरा जल रहा है, ऊपर से जल रहा है, नीचे से, साइड से, अंदर से। तो जैसे ही छुआ तो ये विकल्प नहीं आया, बाया दाया नीचे ऊपर गरम। और दूसरी बात कि कोयले में कहां छुआ ये विकल्प नहीं आया, और कौन सी उंगली ने छुआ ये विकल्प भी नहीं आता। अंगूठे से छुआ था, ये पहली उंगली से, दूसरी उंगली से छुआ, तो जिसको छुआ है वहां के प्रदेशों का विकल्प नहीं, जो छूती है उनके प्रदेशों का विकल्प नहीं है। जब कांटेक्ट हुआ तो वह जो रह गया वह अनुभव, तो ज्ञान की पर्याय के प्रदेश जहां अनुभव होता है, और भगवान आत्मा वो जो अनुभव में आता है,
दोनों के प्रदेशों का विस्तार का विकल्प भी नहीं होता, अनुभव मात्र रहता है वहां। इस वजह से ही अब कोयला 1 इंच के बदले में 2 इंच का हो, 3 इंच का हो, और ये उंगली पहले के बदले में दूसरी हो, अब दूसरी उंगली है और 2 इंच का कोयला है, तो छुआ, और पहले व्यक्ति ने 1 इंच का कोयला है और पहली उंगली है और छुआ, तो दोनों को क्या अनुभव हुआ? उष्णता, उष्णता। तो इस प्रकार से देह के परमाणु की तो बात ही नहीं है, मगर ज्ञान के प्रदेशों का जो विस्तार है उसका भी विकल्प नहीं होता, उसी का नाम स्वभाव की स्पर्शना। जो भाव है ना, उस भाव में ये कितना सूक्ष्म भाव है, उन भावों में छोटा बेटा है, वह पढ़ने के लिए अमेरिका गए और अमेरिका से बरसों तक वहां पढ़ाई की और वापिस आए। गया था जब माँ से बिल्कुल हाइट इतनी छोटी थी, बच्चा था, अब आया तो माँ से भी ऊंचा होकर के वापिस आया, तो माँ जैसे ही उसको देखती है, मिलती है, ये कोई बड़ा आया ऐसा नहीं, बेटा आया, वो विकल्प ही नहीं आता, पहले छोटा था अब तो मुझसे बड़ा, ऐसा बेटा नहीं। वो जो अंदर का भाव और अपनापन है, मेरा वाला जो भाव है, ऐसे ही असंख्य प्रदेशों में वो जो विस्तार है ना, उस पर जोर ही नहीं देता, मात्र स्वभाव ही नजर में आता है। और ये ज्ञेयों के बदलने पर भी ये कांस्टेंट धारा चलती रहे, वो गति होती रहती है, मगर गति के काल में भी वह जो निरंतर जो धारा चलती है, वो धारा ज्ञान 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 ज्ञान, और फिर जो भी क्रिया होती है उन क्रियाओं में फिर ये उदय का परिणाम होता है, फिर वहां पर ज्ञान नहीं, वहां उदय का परिणाम है। तो बाहर से बाहर का कार्य दोनों में अलग होगा, क्रिया उनके ही होगी। मगर वो उनकी क्रिया का नाम होने पर भी उनका कुछ भी वहां पर नहीं होगा, कहलाएगा कि उनका ही है, ये आत्मा की क्रिया। कौन खा रहा है? अरे तू पाप कर रहा है, तू पुण्य कर रहा है, ये तो आत्मा है ना, मगर उसको पता भी नहीं है। नाम के आत्मा की ये क्रिया है, मगर वहां उनको ये विकल्प नहीं है, पता भी नहीं है, ये जानन 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 ऐसा। ओ माय गॉड नाम की एक फिल्म है, उस फिल्म को आपने देखा, उसमें एक अदालत का सीन आता है,
परेश रावल, वहां वकील को पूछता है, आपके घर में बिजली कौन सी आती है, कौन सी कंपनी की? बोले रिलायंस की आती है। बोले जब आपके घर में लाइट जाती है तो आप अनिल भाई को कॉल करते, अनिल अंबानी को, अनिल भाई आओ न, मेरे घर पे लाइट गई है। या रिलायंस की ऑफिस में जाते, वो रिलायंस की, रिलायंस तो अनिल अंबानी का है, वो जो बिजली का उस फिल्म में ऐसा आता है। मुझे हमेशा ये विचार आता, कितने लोग उस ऑफिस में काम करते होंगे और अनिल अंबानी को पता भी नहीं, और नाम उसका ही है कि उसकी कंपनी है। ऐसे सब में पूरे भारत का प्रधानमंत्री देखो, उसको पता भी नहीं है 140 करोड़ इंडियन में कौन कहां कैसा, पता भी नहीं कितनी ऑफिसें चलती है, कितने कितने डिपार्टमेंट चलते हैं। तुम जरा विचार करो, 24 घंटे में कहां कहां तुम देखने जाओ। एक खाली घर का काम देखना हो तो ये हाल हो जाता है, सब्जी फर्नीचर, अब एक एक चीज को तुम देखो ना। खाली घर में पंखा खराब हो गया हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है तो प्लम्बर को बुलाना, ये तो इतने काम घर के। और जहां पूरा देश का वो कोई नहीं पड़ा, वो कुर्सी पे बैठे हैं बस, और उसका आनंद भी लेते हैं। मैं तुमसे ये कहता हूं कि जितनी भी क्रिया हो, वो क्रिया की ओर दृष्टि जाए बिना, उसका हिसाब रखे बिना, वो जो सत्ता है उसका आनंद भोग, भोगना है वो भोग लेते हैं ना। नहीं तो दूसरी बार कौन प्रधानमंत्री होना चाहेगा, तीसरी बार कौन होना चाहेगा, यदि दुख है तो। मगर अंदर में सुख जैसे माना, ऐसे ही मानना ही है, और यहां तो है और मानना, ये क्रिया होती है, उसको इग्नोर कर देते, उसका हिसाब रखने कौन जाएगा। समय सार में ये कहा, राजा है, वह नहीं मगर प्रजा युद्ध लड़ने जाती है, और कहा जाता है राजा ने युद्ध किया। लड़ने जाती है प्रजा, वो तो सिंहासन पर बैठा है, ऐसा ये देह जो भी क्रिया करता है, खाली बोलने में आता है कि आत्मा ने ये किया, आत्मा ने वह किया, राग किया, द्वेष किया, वो भावों की बात थी, वो भी प्रजा की कैटेगरी में गई। प्रजा ने युद्ध किया, वो पर्याय ने ये सब किया, पर्याय माने प्रजा। मगर जो ज्ञान सत्ता है, वो सत्ता तो बाहर नहीं निकली, अपने सिंहासन से हटी नहीं। तो भेद ज्ञान करते हुए ये अंतर की जागृति के साथ में ये प्रयोग आज मैंने आपको संक्षिप्त में कहा। आप में से किसी को कुछ शंका हो तो आप शंका कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य 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 चैतन्य।
चैतन्य चैतन्य। कोटि अनंत वंदन प्रभु, आपने अभी ध्यान प्रयोग में बताया अनुभव 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 इतना गहरा। जब आप ये शब्द बोल रहे थे उसके बाद शब्द ही सुनाई नहीं दिए, ऐसी दशा प्रभु। एक दूसरी बात, आज दोपहर में मैं आत्म सिद्धि की 50 गाथाएं सुनाना चाहती हूँ, क्या मुझे परमिशन है? आत्म सिद्धि की 50 गाथा गुरु गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कृपालु देव आपको याद करते हुए आंख बंद करके सुनाऊंगी प्रभु। 50 गाथा माने 1 से 50 की, कोई भी 50 की 50वीं? 1 से 50। 1 से 50 आंख बंद करके आप सुनाएंगे? बिल्कुल सर। एक आधी सुनाओ तो, अभी कैसे सुनाते हैं मैं देख लूँ, तो फिर दोपहर में 50 का विचार करूं। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया तत्पद नमन श्री सद्गुरु भगवन, वर्तमान इस काल में मोक्ष मार्ग बहुलो विचार में आत्मार्थी को देश न अत्यगो, कोई क्रिया जड़ हो रहे शुष्क ज्ञान में कोई मानते मोक्ष मार्ग दे करुणा उद्भव होई। बहुत अच्छा, आप एक काम करना कि ये हिंदी में आपने पूरी 50 गाथा कंठस्थ कर ली है? जी साहब, जहाँ जहाँ आप चल रहे हैं कोशिश वही वही तक याद करने की होती है, पर अभी उसमें आत्मविश्वास कम है, थोड़ी कच्ची है आगे की गाथाएं, इसलिए मैंने 50 पूर्ण विश्वास के साथ सुना सकती हूँ। रोज एजपा जाप चलता है, सुबह प्रातः उठते ही वही गाथाएं दोहराती हूँ लेटे लेटे। नहीं, आपसे हम सुनेंगे, मगर आज आज के दिन क्या है, आज 1 घंटे का अपने पास समय है, और 1 घंटे के अंदर आप ये 50 गाथा बोलेंगे तो 50 गाथा बोलने में कम से कम 25 मिनट 30 मिनट भी लगेगा, 20 मिनट लगेगा, और अभी अपने पास में 1 घंटे में बोलने वाले लगभग 25 के नाम तो अभी आ गए हैं, तो सबके लिए अब 2-2 मिनट तो है, तो आपके अकेले के लिए 25 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी समय ऐसा रहेगा, आज का दिन है ना, बहुत शॉर्ट टाइम है अपने पास में, क्योंकि आत्मसिद्धि का सत्संग भी दोपहर में करना है ना, शाम को फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, तो आज शाम को सत्संग नहीं होगा आत्मसिद्धि का, अपना जो रेगुलर सत्संग होता है 73 नंबर की गाथा है ना आज, तो 73वीं गाथा पर सत्संग दोपहर में 2:24 पर होगा, और 1:24 से लेकर के 2:24 तक अपना ये भक्ति का कार्यक्रम है। आपको कोई छोटा सा पद या कोई ऐसी भक्ति गानी हो तो 2 मिनट 4 मिनट में जो भी गाई जा सकती है ऐसी आप भक्ति ले सकते हैं, तो वो आपको आज के दिन के लिए वो अवसर अवश्य मिलेगा। प्रणाम भगवान। चैतन्य चैतन्य। और किसी को कुछ? प्रणाम गुरुदेव।
प्रणाम। चैतन्य 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 गुरुदेव, आपकी वाणी बस ऐसे ही चलती रहे, ज्यादा मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है शब्द, लेकिन जो अनुभव कर पा रहा हूँ वो मेरी फीलिंग्स जो है वो बढ़ती रहे, और जो शाश्वत अनुभूति है वो जल्दी से जल्दी अनुभव में आए और शाश्वत लक्ष्य की ओर बढ़े, यही भावना है। इसके बाद जो आपने बोला कि आज दो दो मिनट सबको मिलेंगे, तो दो या तीन मिनट मैं भी लेना चाहूंगा। दिन में कितनी बजे का रहेगा, वो नाम देना है कैसे देना है वो मुझे बता दीजिए। आस कुमराला के नंबर पर आप एक मैसेज छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, आपका कौन सी भक्ति क्या गाना है और आपका नाम साथ में आएगा, बस आस कुमराला के नंबर पर। अभी ये क्या है, थोड़ी देर में मैं वो विचार कर रहा हूँ, सभी को अवसर देने का भाव है, तो यदि बहुत ज़्यादा नाम हो गए तो मैं तो 1 बजे से ही चालू कर दूँगा, भले ऑफिशियल टाइम 1:24 का है, यदि मौका मिले तो 12:30 बजे कर दूँ, जिनको सुनना है वो सुनेंगे, उसमें क्या हो गया। तो भक्ति तो वैसे करते ही है आप, मगर देखता हूँ कि सभी के लिए मौका मिले और आज हम सब मिलकर के परम कृपालु देव की साथ में मिलकर के भक्ति कर सके। आज के इस उत्तम दिन पर हम जरूर ये भक्ति करेंगे और आपको अवसर अवश्य मिलेगा भगवान। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम भगवान। गुरुदेव, अनुभव घर भी न थाय, पर मने एम थाय कि हूँ तो ध्रुव जो मारा में तो कहीं थातु नहीं, ध्रुव 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 एम सतत आव्या करे छे, तो ये बराबर छे? यही बराबर है, इसके अलावा और कुछ भी बराबर नहीं है। जो बात आपने कही कि अनुभव जो है वो अनुभव गर्मी का होता है, उष्णता का होता है, पर्याय में जो वेदन होगा वो वेदन तो ऐसा ही होगा, पर्याय में वेदन तो पर्याय का ही होगा। तो आपको जो अनुभव, ये अनुभव हो रहा है ये बिल्कुल सही है, पर्याय में पर्याय का ही अनुभव होगा, मगर फिर भी वहाँ पर आपके अंतर में वो जो अहोभाव आ रहा है, वो अहोभाव वो तो द्रव्य का, ध्रुव का ऐसा अहोभाव आ रहा है ना, त्रिकाली ध्रुव का, तो ऐसा ये दोनों के बीच में ये समझना, पर्याय में पर्याय का अनुभव, अनुभव अलग बात है, अनुभव अलग बात है, खाली थोड़ा सा अंतर है। ये 4 अक्षर खाली याद रखेंगे ना, अ नु भ व, ये क्या है, अ नु भ व, और दूसरा यहाँ अ हो भा व, तो अनुभव ये पर्याय का, अ हो भा व ये द्रव्य का, बस इतना ही याद रखना। ये इसलिए जब भी कोई ज्ञान दीपक होमवर्क ठीक नहीं करेगा तो मैं ऐसा दिखाऊंगा हाथ, तो तुम्हें क्या याद करना है, अनुभव की अहोभाव, चारों इस हाथ से दिखाओ तो अहो भाव, इस हाथ से दिखाओ तो अनुभव, दोनों हाथ से दिखाओ तो दोनों का अभेद मिलन। मगर यह संक्षिप्त में याद रखने की कुंजी है, पर्याय का अनुभव होता है और द्रव्य का अहो भाव होता है। बहुत बहुत अच्छी भावना है भगवान, ये जो अंदर से कितनी बड़ी बात कह दी, चैतन्य 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 चैतन्य
ठीक है, हम दोपहर में यहाँ पर भक्ति के लिए 1:24 पर मिलेंगे। 2 घंटा लगातार बैठना है, इसलिए ऐसी जगह पर आप बैठना जहाँ पर आपको विकल्प कम आए, मुलायम जगह ढूंढ लेना कि जहाँ 2 घंटे तक आपको पैर में दर्द न हो, क्योंकि सबका विचार आता है ना। इसके लिए आपकी शरीर की स्थिति के अनुसार सब, मगर बैठने के बाद में ध्यान से एकाग्रता से उसका आनंद लेना। जो ज्ञान दीपक, जो साधक यहाँ पर माटुंगा में गुरु पूर्णिमा के सेलिब्रेशन में आ रहे हैं, उनका नाम जो मुंबई का एक ग्रुप हमने बनाया है, ये ज्ञान दीपक ने बनाया है, तो उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दिया है या ऐड हो गए होंगे। उसमें खाली मुंबई का न्यूज़ आएगा, सबको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। खाली मुंबई के ज्ञान दीपक, मुंबई के साधक, जिनको रेगुलर रूप से जब जब भी हम मुंबई में आएंगे तो वहाँ का समाचार मिले, कहाँ पर है सत्संग, क्या है, कौन सा एड्रेस है, तो उसके लिए और ख़ास करके रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि आपका वो RSVP, कि जिससे क्या होगा कि आप के लिए व्यवस्था कर सके। इतने ज़्यादा ज्ञान दीपक आएंगे, साधक आएंगे, तो सबके लिए भोजन की व्यवस्था करनी हो, नाश्ते की व्यवस्था करनी हो, तो सबके लिए अब की बार ये सब करेंगे। इसके बिना ये, कल मैंने आपसे कहा ना, पछता ही नहीं है। उसके बिना साधर्मी भक्ति अहोभाव, ये भाव अंदर में आए बिना ये पचेगा ही नहीं। और मैं दिल्ली में भी जाता हूँ, वहाँ पर भी जहाँ सत्संग होता है उनका तो इतना भाव होता है कि साधर्मी अपने वहाँ कहाँ। रिश्तेदारों को तुम ध्यान रख के खिलाओ, बेटी के दामाद, वो बेटी दामाद, ससुर, सास, उनके तलवे चाटोगे वो बहुत अच्छा लगेगा, मगर साधर्मी जीव के प्रति ये भक्ति का भाव आना, ये साधक का लक्षण है, वो संसारी का लक्षण है। और हम साधक हुए हैं तो ये गुण, ये सद्गुण हम में विकसित होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आप ज्ञान दीपकों को फिर से आमंत्रण है, सब उसमें नाम आपका लिख देना और कितने लोग आ रहे ये लिख देना आज दोपहर में, फिर अपन धामधूम से आज गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, मंगल भावना पाते हैं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य 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 चैतन्य। कोटि अनंत वंदन प्रभु। आपने अभी ध्यान प्रयोग में बताया, अनुभव 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 इतना गहरा, जब आप ये शब्द बोल रहे थे उसके बाद शब्द ही सुनाई नहीं दिए। हम्म।
ऐसी दशा प्रभु। एक दूसरी बात, आज दोपहर में मैं आत्म सिद्धि की 50 गाथाएं सुनाना चाहती हूँ, क्या मुझे परमिशन है? आत्म सिद्धि की 50 गाथा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कृपालु देव आपको याद करते हुए आंख बंद करके सुनाऊंगी प्रभु। 50 गाथा माने 1 से 50 की, कोई भी 50 की 50वीं? 1 से 50। 1 से 50 आंख बंद करके आप सुनाएंगे? बिल्कुल सर। एक आधी सुनाओ तो, अभी कैसे सुनाते हैं मैं देख लूं, तो फिर दोपहर में 50 का विचार करूं। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया तत्पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। वर्तमान इस काल में मोक्ष मार्ग बहुलो विचार ने आत्मार्थी को देश न अत अगोप। कोई क्रिया जड़ हो रहे शुष्क ज्ञान में कोई मानते मोक्ष मार्ग दे करुणा उद्भव होई। बहुत अच्छा, आप एक काम करना कि ये हिंदी में आपने पूरी 50 गाथा कंठस्थ कर ली है? जी साहब, जहाँ जहाँ आप चल रहे हैं कोशिश वही वही तक याद करने की होती है, पर अभी उसमें आत्मविश्वास कम है, थोड़ी कच्ची है आगे की गाथाएं, इसलिए मैंने 50 पूर्ण विश्वास के साथ सुना सकती हूँ। रोज एज पा जाप चलता है, सुबह प्रातः उठते ही वही गाथाएं दोहराती हूँ लेटे लेटे ही आँख बंद करके। आपसे हम सुनेंगे, मगर आज के दिन क्या है, आज 1 घंटे का अपने पास समय है, और 1 घंटे के अंदर आप ये 50 गाथा बोलेंगे तो 50 गाथा बोलने में कम से कम 25 मिनट 30 मिनट भी लगेगा, 20 मिनट लगेगा, और अभी अपने पास में 1 घंटा बोलने वाले लगभग 25 के नाम तो अभी आ गए, तो सबके लिए अब 2-2 मिनट तो है, तो आपके अकेले के लिए 25 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो कभी समय ऐसा रहेगा, आज का दिन है ना, बहुत शॉर्ट टाइम है अपने पास में, क्योंकि आत्मसिद्धि का सत्संग भी दोपहर में करना है, शाम को फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, तो आज शाम को सत्संग नहीं होगा आत्मसिद्धि का, अपना जो रेगुलर सत्संग होता है 73 नंबर की गाथा है ना, तो 73वीं गाथा पर सत्संग दोपहर में 2:24 पर होगा, और 1:24 से लेकर के 2:24 तक अपना भक्ति का कार्यक्रम है। आपको कोई छोटा सा पद या कोई ऐसी भक्ति गानी हो तो 2-4 मिनट में जो भी गाई जा सकती है ऐसी आप भक्ति ले सकते हैं, तो वो आपको आज के दिन के लिए वो अवश्य मिलेगा। प्रणाम भगवान। प्रणाम चैतन्य चैतन्य। और किसी को कुछ? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य गुरुदेव, आपकी वाणी बस ऐसे ही चलती रहे, ज्यादा मेरे मुंह से निकलते ही नहीं है शब्द, लेकिन जो अनुभव कर पा रहा हूँ वो मेरी फीलिंग्स जो है वो बढ़ती रहे, और जो शाश्वत अनुभूति है वो जल्दी से जल्दी अनुभव में आए और शाश्वत लक्ष्य की ओर बढ़े, यही भावना है। इसके बाद जो आपने बोला कि आज 2-2 मिनट सबको मिलेंगे, तो 2 या 3 मिनट मैं भी लेना चाहूंगा। दिन में कितनी बजे का रहेगा, वो नाम देना है कैसे देना है वो मुझे बता दीजिए।
आस कुमराला के नंबर पर आप एक मैसेज छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, आपका कौन सी भक्ति क्या गाना है और आपका नाम साथ में आएगा। बस आस कुमराला के नंबर पर अभी है, क्या है, थोड़ी देर में मैं वो विचार कर रहा हूँ। सभी को अवसर देने का भाव है, तो यदि बहुत ज्यादा नाम हो गए तो मैं तो 1 बजे से ही चालू कर दूंगा, भले ऑफिशियल टाइम 1:24 का है, यदि मौका मिले तो 12:30 बजे कर दूं, जिनको सुनना है वो सुनेंगे, उसमें क्या हो गया। तो भक्ति तो वैसे करते ही है आप, मगर देखता हूं कि सभी के लिए मौका मिले और आज हम सब मिलकर के परम कृपालु देव की साथ में मिलकर के भक्ति कर सके। आज के इस उत्तम दिन पर हम जरूर ये भक्ति करेंगे और आपको अवसर अवश्य मिलेगा। भगवान प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम भगवान। गुरुदेव अनुभव घर भी न थाय पर मने एम थाय कि हूं तो ध्रुव जो छु, मारा में तो कई थातु नथी, ध्रुव 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 एम सतत आव्या करे छे, तो बराबर छे। यही बराबर है, इसके अलावा और कुछ भी बराबर नहीं है। जो बात आप पूछी कि अनुभव जो है वो अनुभव गर्मी का होता है, उष्णता का होता है, पर्याय में जो वेदन होगा वो वेदन तो ऐसा ही होगा, पर्याय में वेदन तो पर्याय का ही होगा। तो आपको जो अनुभव, ये अनुभव हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, पर्याय में पर्याय का ही अनुभव होगा, मगर फिर भी वहां पर आपके अंतर में वो जो अहोभाव आ रहा है, वो अहोभाव वो तो द्रव्य का, ध्रुव का ऐसा अहोभाव आ रहा है ना, त्रिकाली ध्रुव का, तो ऐसा ये दोनों के बीच में ये समझना, पर्याय में पर्याय का अनुभव, अनुभव अलग बात है, अनुभव अलग बात है, खाली थोड़ा सा अंतर है। ये 4 अक्षर खाली याद रखेंगे ना, अ नु भ व, ये क्या है, अ नु भ व, और दूसरा यहां अ हो भा व, तो अनुभव ये पर्याय का, अ हो भा व ये द्रव्य का, बस इतना ही याद रखना ये। इसलिए जब भी कोई ज्ञान दीपक होमवर्क ठीक नहीं करेगा तो मैं ऐसा दिखाऊंगा हाथ, तो तुम्हें क्या याद करना है, अनुभव की अहोभाव, इस हाथ से दिखाओ तो अहोभाव, इस हाथ से दिखाओ तो अनुभव, दोनों हाथ से दिखाओ दोनों का अभेद मिलन। मगर यह संक्षिप्त में याद रखने की कुंजी है, पर्याय का अनुभव होता है और द्रव्य का अहोभाव होता है। बहुत बहुत अच्छी भावना है भगवान, ये जो अंदर से कितनी बड़ी बात कह दी, चैतन्य 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 गुरुदेव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ठीक है, हम दोपहर में यहां पर भक्ति के लिए 1:24 पर मिलेंगे, 2 घंटा लगातार बैठना है, इसलिए ऐसी जगह पर आप बैठना जहां पर आपको विकल्प कम आए, मुलायम जगह ढूंढ लेना कि जहां 2 घंटे तक आपको पैर में दर्द न हो, क्योंकि सबका विचार आता है ना,
इसके लिए आपकी शरीर की स्थिति के अनुसार सब। मगर बैठने के बाद में ध्यान से एकाग्रता से उसका आनंद लेना। जो ज्ञान दीपक, जो साधक यहाँ पर माटुंगा में गुरु पूर्णिमा के सेलिब्रेशन में आ रहे हैं, उनका नाम जो मुंबई का एक ग्रुप हमने बनाया है, ये ज्ञान दीपक ने बनाया है, तो उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दिया है या ऐड हो गए होंगे। उसमें खाली मुंबई का न्यूज आएगा, सबको जुड़ने की जरूरत नहीं है। खाली मुंबई के ज्ञान दीपक, मुंबई के साधक जिनको रेगुलर रूप से जब जब भी हम मुंबई में आएंगे तो वहां का समाचार मिले, कहाँ पर है सत्संग, क्या है, कौन सा एड्रेस है, तो उसके लिए और खास करके रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि आपका वो RSVP, कि जिससे क्या होगा कि आप के लिए व्यवस्था कर सके। इतने ज्यादा ज्ञान दीपक आएंगे, साधक आएंगे, तो सबके लिए भोजन की व्यवस्था करनी हो, नाश्ते की व्यवस्था करनी हो, तो सबके लिए अब की बार ये सब करेंगे। इसके बिना ये कल मैंने आपसे कहा ना, पचता ही नहीं। उसके बिना साधर्मी भक्ति अहो भाव, ये भाव अंदर में आए बिना ये पचेगा ही नहीं। और मैं दिल्ली में भी जाता हूं, वहां पर भी जहां सत्संग होता है उनका तो इतना भाव होता है कि साधर्मी अपने वहां कहां। रिश्तेदारों को तुम ध्यान रख के खिलाओ, बेटी के दामाद को, बेटी दामाद, ससुर सास, उनके तलवे चाटोगे वो बहुत अच्छा लगेगा, मगर साधर्मी जीव के प्रति ये भक्ति का भाव आना, ये साधक का लक्षण, वो संसारी का लक्षण। और हम साधक हुए हैं तो ये गुण, ये सद्गुण हम में विकसित होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आप ज्ञान दीपकों को फिर से आमंत्रण है, सब उसमें नाम आपका लिख देना और कितने लोग आ रहे ये लिख देना आज दोपहर में, फिर अपन धाम-धूम से आज गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, मंगल भावना पाते हैं। प्रणाम, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो देहा।